फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल सेंड नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल सेंड नहीं होती ना, तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, यानी कि फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में ना आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सेलेक्ट करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ये इसके अंदर स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, उसे मोबाइल से बाहर निकालना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है, और हो सके तो सिम कार्ड की पोजीशन को एक बार चेंज कर लेना है, यानी कि सिम 1 से सिम 2 में एक बार लगा के देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों को आपको यूज़ करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,